गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको कैसे हैं? मजे में है कि नहीं? घर पे अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, ठीक है? चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक नया टॉपिक, एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एडाप्टेशन किसके हैबिटेट का पढ़ा था, फूड का पढ़ा था, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, कैसे जानवर एनिमल्स अपने आप को बचाव कैसे करते हैं, ठीक है? अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाते हैं, हम लोग आज सुनेंगे। तो देखिए इसमें सेवन पॉइंट्स हैं। नंबर वन है कैमोफ्लेज, नंबर टू इन अ शेल, मतलब शेल के अंदर, नंबर थ्री स्पाइंस, स्पाइन जानते हैं कांटे होते हैं, नंबर फोर पॉइजन, जो वेनम जिसको कहते हैं, जहर जिसको कहते हैं, नंबर फिफ्थ है पॉप ऑफ, पॉप ऑफ मतलब की एक गोल बन जाना, एक राउंड शेप में कन्वर्ट कर लेना अपने आपको, प्लेइंग डेड मतलब प्लेइंग डेड मतलब की अपने आपको ऐसे मृत्यु घोषित करके प्लेइंग करना, मिलना, और स्मेलिंग अटैक, और स्मेल करके जो है अटैक कर देना, ठीक है? तो हम लोग अभी एक पहले नंबर वन कैमोफ्लेज स्टार्ट करेंगे। कैमोफ्लेज क्या है? देखिए कैमोफ्लेज आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या चीज है, बहुत ही सिंपल है। कैमोफ्लेज मतलब होता है कि उसी रंग में ढल जाना, ठीक है? जैसे आपने कैमलियन देखा है, गिरगिट जिसको कहते हैं, ठीक है? वो देखिए क्या करती है, जहां भी जाती है, जैसे पेड़ पर गई, पत्तियों पर अगर गई वो, तो क्या होगा, वो ग्रीन रंग में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी अगर कहीं अगर वो मतलब बार्क ऑफ द ट्री है, ट्रंक पे है, वो ट्री के ट्रंक पे है, तो किस रंग की हो जाएगी, वो ब्राउन रंग की हो जाएगी, ठीक है? वो अपने कलर चेंजेस करती रहती है। और ठीक इस तरीके से एक इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट हम लोग नाम जानते हैं। स्टिक इंसेक्ट समझ रहे हैं, स्टिक मींस क्या होता है, जो हम लोग एक छोटा सा स्टिक जैसे छड़ी टाइप की, पतली छड़ी टाइप के, उस तरह वो इंसेक्ट होता है। वो क्या करता है, कहीं जो है झाड़ी में वो छिपके बैठ जाता है और पता ही नहीं चलता कि वो स्टिक है कि स्टिक इंसेक्ट है, ठीक है? तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं, ठीक है? मतलब कि उसी रंग में जो ढल जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, तो ये होता है कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज इज द एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू सराउंडिंग एनिमल्स, डू दिस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर अटैक और डेंजर फ्रॉम प्रेडेटर, या अटैक करने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए ये एनिमल्स या इंसेक्ट इस चीज का यूज करते हैं कैमोफ्लेज का, ठीक है? अब आते हैं हम लोग नंबर टू इन अ शेल। शेल क्या चीज होता है, आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग क्या इसलिए होती है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, ठीक है? तो द बॉडीज ऑफ सम एनिमल्स आर कवर्ड बाय हार्ड शेल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड शेल से कवर होते हैं, जैसे लाइक वी कवर अवर हेड विद हेलमेट वाइल राइडिंग अ स्कूटर और मोटर बाइक। देखिये जब हम लोग मोटर बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हेड को सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, यह बात उठती है, ताकि हम सुरक्षित रहें, ठीक है? हम बाय चांस अगर गिर जाते हैं तो हमारा सर चोटिल ना होने के कारण लोग जो क्या कहते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हेलमेट रहेगा तो हेलमेट पे ही वो जाके चोट लगेगी, हमारे सर पे नहीं लगेगी, ठीक है? गार्डन स्नेल एंड टॉर्टोइस कैन ऑल्सो पुल देयर हेड लेग्स और देयर होल बॉडीज इन साइड देयर शेल। आप लोग देखे होंगे टॉर्टोइस होता है कछुआ देखे हैं, जब कभी उसको खतरा महसूस होता है कि हाँ यहाँ पर खतरा है, तो क्या करता है, अपने सारे बॉडी से मतलब लेग को भी, हेड को भी, हाँ हाइंड लेग को भी, क्या करेगा, सब अपने आप को समेट के एक क्या करेगा, शेल कवर कर लेगा ऊपर से, ठीक है? और फिर वो और फिर दूसरे को शिकार होने से वो बच जाता है। अब आते हैं नंबर थर्ड है स्पाइन। स्पाइन समझे, कांटे होते हैं जो, रिमेंबर कैक्टस हैज थॉर्न्स टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। देखिए कैक्टस एनिमल्स क्यों ज्यादातर नुकसान नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें कांटे होते हैं और भाई कांटे एनिमल्स के द्वारा वो नहीं खा पाते हैं। एनिमल जाएगा, अगर वो खाने की कोशिश भी करता है तो क्या होगा, उसको कांटा क्या करेगा, चुभेगा, ठीक है? इस वजह से वो सुरक्षित हो जाते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से पॉर्क्यूपाइन हैव स्पाइंस ऑन द सर्फेस ऑफ देयर बॉडीज। देखिए पॉर्क्यूपाइन क्या है, एक एनिमल है जो अपने शरीर के ऊपर क्या करता है, स्पाइंस, शरीर के ऊपर स्पाइंस होते हैं। जब कभी वो देखता है कि यहाँ खतरा है, हमें यहाँ बहुत ही
वो अपने आप को कंफर्टेबल फील जब नहीं करता है तो क्या कहता है, अपने स्पाइंस को बाहर कर देता है, ठीक है, और वो डेंजर से बच जाता है। इसी तरह जैसे हेजहॉग होता है, हेजहॉग एक एनिमल है, वो भी उसके ऊपर क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, वो भी अपने समय समय पर वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खतरे के समय में। अब आते हैं हम लोग नंबर फोर है पॉइजन। पॉइजन जान रहे हैं, जहर होता है, जहर को समझ रहे हैं आप लोग, जहर बहुत हमारे लिए बहुत ही फैटल होता है, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक स्नेक एंड डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय यूजिंग देयर पॉइजन। आप लोगों ने देखा है कि जब कभी आप स्नेक को क्या कर रहे हैं, हम लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्या करता है वो अपने फन को तुरंत उठा लेता है, क्यों, ताकि वो रेडी रहता है, क्यों, इस अपने पॉइजन को छोड़ने के लिए, ठीक है, अपने जो भी उसका वेनम है अपने जहर को उगलने के लिए वो रेडी रहता है कि जैसे ही ये हमारे पास वार करेगा और मैं पॉइजन छोड़ूंगा, ठीक है। देयर बॉडीज प्रोड्यूसेस अ पॉइजन सैप लाइक सब्सटेंस, एक सैप लाइक सब्सटेंस होता है उसको जो है वो पॉइजन के रूप में छोड़ता है। दे बाइट देयर एनिमी एंड इंजेक्ट द पॉइजन, मतलब कि सांप के दांत होते हैं, वो दांत क्या करता है, इंजेक्ट करता है, और इंजेक्ट करने के बाद वो सारे पॉइजन उसके शरीर में छोड़ देता है। दे बाइट देयर एनिमी एंड इंजेक्ट द पॉइजन विच किल द एनिमी, और फिर वो अपने दुश्मन को मार देता है। एग्जाम्पल में देखिए स्नेक हो गया, सांप जानते हैं, और सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है, जो कोबरा, ठीक है, कोबरा हो गया जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम होता है नाजा कहते हैं, ठीक है। और स्कॉर्पियन बिच्छू जानते हैं, बिच्छू आप लोग टीवी में भी देखते हैं, टीवी में भी देखे होंगे, बिच्छू काट लेता है तो बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई हम लोगों को, ओके सर, दिस इज अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इसको लोग क्या कह रहे हैं, पफ ऑफ अप कह रहे हैं, ठीक है, पफ अप, पफ ऑफ मतलब क्या होता है कि पफ मतलब जिसे आप लोग एक गेंद देखे होंगे कैसी होती है, गोल टाइप की होती है, ठीक है, पफ टाइप की होती है। तो अ नंबर ऑफ एनिमल्स ट्राई टू अपीयर लार्जर देन देयर साइज इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ प्रेडेटर, अपने जैसे कि देखिए, अगर देखिए आप लोगों ने देखा होगा एक डॉग है और एक कैट है, ठीक है, जब कभी देखिए कैट जो है डॉग के घेरे में आ जाती है, जब देखिए वो कैसा शो करती है बिहेवियर, आप लोगों ने देखा बिहेवियर शो करती है, कैसा बिहेवियर, वो पफाव शो करती है, मतलब वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है, और उसे लड़ने खातिर भी तैयार हो जाती है। तो ये होता है पफाव। द ब्लो फिश और पफर फिश हैज एबिलिटी टू पफ ऑफ टू अबाउट ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज एट द टाइम ऑफ अटैक, जब भी आक्रमणकारी जब उसको आक्रमण करने के लिए आता है तो अपने आप को दिखाता है कि हम बड़े हैं, ठीक है, अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि हम बड़े हैं और आप नहीं लड़ पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है कि वो जो हमारे सामने का जो दुश्मन है वो क्या होता है, वो सोचता है कि ये हमसे बड़ा है और वो भाग जाता है डर के। तो ये क्या है, पॉइंट फिश होती है, एक फिश है ये, हाँ, जो अपने आप को जब कभी उसको खतरा महसूस होता है पानी में नदी में तो अपने आप को बड़ा शो करती है, ठीक है, इसी तरीके से पफर फिश भी है। अब अगले नंबर सिक्स प्लेइंग डेड। प्लेइंग डेड का मतलब यहां देखिए क्या है कि मैनी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स डो नॉट ईट एन एनिमल इफ दे फाइंड इट डेड, कि जैसे कुछ एनिमल्स जब क्या होते हैं जो मैनी फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं मांसभक्षी होते हैं, डो नॉट ईट एन एनिमल इफ दे फाइंड इट डेड, जब कभी देखेंगे ये एनिमल मरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं छूते हैं, क्यों, द पोजम सेव इट्स लाइफ बाय अप्लाइंग दिस मेथड, ठीक है, तो ये मतलब ऐसा वो अपना मरा हुआ ऐसा दिखाएंगे कि हम यहाँ पे मर गए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खत्म हो गए हैं, वैसा दिखाएंगे, लेकिन वो वास्तव में मरे नहीं होते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं क्या, जैसे आप एक कहानी सुनाओगे रामू और श्यामू की, जिसमें भालू आता है और वो रामू क्या कहते हैं अपने आप को जैसे लगता है कि वो मर गया है, ठीक है, और राम उसको बस देख के भालू उसको देख के चला जाता है, ठीक है, लेकिन उसका मित्र जो पेड़ पे चढ़ा होता है वह पूछता है कि उस भालू ने क्या कहा, हाँ, तो कहता है कि क्या कहता है कि अपने मित्र, हाँ, अपने मित्र की सहायता में, मतलब मित्र को इस तरह विकट स्थिति में देख के कभी भी छोड़ के भागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहां देखिए वो था प्लेइंग डेड का बिहेवियर, वहां पे प्रोटेक्शन शो कर रहा था।
When threatened, the poison falls over the curl up and its tongue hangs out and its eyes look lifeless. इसकी आंखें जैसे लगता है कि lifeless हो गई है. The hunting animal assumes its death and loses its interest in this prey. और फिर जैसे लगता है कि मरा होगा तो फिर वो जानवर छोड़ के चला जाता है वहां से और वो बच जाता है. एक एग्जाम्पल है, देखिए बर्मिस्टियस लीफ फ्रॉग. ये एक ऐसा फ्रॉग है, ये एक साइंटिस्ट है बर्मिस्टियस, जिन्होंने इस फ्रॉग की खोज की थी, इसी वजह से इसके नाम ये रखा गया है. ठीक है, ये ऐसा फ्रॉग है जो अपने आप को ऐसा मृत घोषित शो करेगा और दूसरे एनिमल्स आके इसको देख के बस चले जाते हैं, छोड़ देते हैं इसको. नंबर 7 है स्मेली अटैक. ठीक है, स्मेली अटैक से समझ रहे हैं, स्मेल से क्या समझ रहे हैं, स्मेल मतलब कि सुगंधित चीज है. ठीक है, और अटैक मीन्स आक्रमण करना. अभी के कैसे सम एनिमल्स लाइक स्कंक डिफेंड देमसेल्फ बाय स्प्रेइंग अ स्मेली मिस्ट एट देयर अटैकर. जब ये अटैकर जो है अटैक करने खातिर आता है तो क्या करता है, वो जो डिफेंडर है वो स्मेली अटैक करता है, मतलब कि कुछ अपने बॉडी से क्या करता है, एक स्मेल छोड़ता है. ठीक है, क्यों, द स्प्रे शूट आउट फ्रॉम अंडर द स्कंक टेल. ठीक है, एज अ सेल्फ डिफेंस द बम्बोर्डियर बीटल स्प्रिट अ स्मेली स्प्रे टू द बॉइलिंग हॉट टू. जो ये बम्बोर्डियर बीटल होता है क्या करता है, अपने शरीर से एक गर्म क्या करता है, स्प्रे छोड़ता है. ठीक है, ताकि क्यों छोड़ता है, ताकि वो जो उसके सामने जो जो उसको खाने आया है, उसको मारने आया है, लड़ने आया है, वो उसको इस चीज को देख के वो डर के भाग जाए. ठीक है, ये होता है सारे प्रोटेक्शन है. हम लोग ह्यूमन है, हम लोग भी देखें क्या कभी कभी क्या करते हैं, कभी भी डर जाते हैं, तो हम लोग कभी भी क्या या तो जो है किसी की शरण में जाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग खुद लड़ते हैं उससे. ठीक है, तो ये होता है अडैप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है, तो इतनी बात सारी 6-7 पॉइंट शेयर हो गए हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे कि अडैप्टेशन इन बिहेवियर. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि अडैप्टेशन इन हैबिटेट, अडैप्टेशन इन फूड और अडैप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. और लास्ट वाला अर्थ है अडैप्टेशन इन बिहेवियर. अब ये बिहेवियर कैसे शो करते हैं, भाई भोजन की हम लोगों ने बात कर ली, और हैबिटेट की बात कर ली जहां पे वो रहते हैं, प्रोटेक्शन की बात कर ली, बचाव की बात कर ली. अब इनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, ये कैसे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, वातावरण अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ये हम लोग समझेंगे. तो बात करते हैं हाइबरनेशन. हाइबरनेशन देखिए, एनिमल एक ऐसा अपने आप को दिखाते हैं, उनका एक बिहेवियर है, वो क्या है, हाइबरनेशन है. इन विंटर सम एनिमल्स गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब कि ठंडी में सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, गो टू स्लीप, वो क्या कहते हैं, सोने चले जाते हैं स्लीप के लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए चले जाते हैं सोने के लिए. इन अंडरग्राउंड केव्स, या तो वो अंडरग्राउंड गुफाओं में चले जाते हैं, और बरोस, या तो वो जो जमीन के नीचे जो बिल बनाए जाते हैं, जहां उनका इनका छोटे छोटे घर बना के रखते हैं जमीन के नीचे, तो वहां चले जाते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं. क्या है हाइबरनेशन, कि इन विंटर सम एनिमल्स गो टू स्लीप फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन किसमें, इन अंडरग्राउंड केव्स और बरोस. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन. एग्जाम्पल में देखिए फ्रॉग है, आप लोग देखिए फ्रॉग देखिए ज्यादातर आपको बरसात में दिखाई देंगे. ठीक है, लेकिन ज्यादातर देखिए ठंडी में नहीं दिखाई देते हैं, वो कहां चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं. स्नेल भी इसी तरीके से, और माइस भी, चूहा जो होता है. ठीक है, ये सब ठंडी में हाइबरनेट हो जाते हैं, और फिर ये ठंडी खत्म होने के बाद ये अपनी जगह फिर वापिस आ जाते हैं. ठीक है, जाते हैं, उसमें आता है टर्म माइग्रेशन. ठीक है, माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है, जैसे हम लोग जो है माइग्रेट करते हैं स्कूल से घर और घर से स्कूल. ठीक है, व्हेन द क्लाइमेट बिकम्स टू कोल्ड और टू हॉट, जब वातावरण हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तब दे मूव टू ए डिफरेंट प्लेस. तब क्या
क्या करते हैं वो डिफरेंट प्लेस विभिन्न जगहों पर चले जाते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको ठंडी में देखने को मिलेगा, साइबेरियन बर्ड। ठीक है, आप लोग जाते हो नाव पे बैठते हो, नाव पे बैठते हैं दाना खिलाते हो, देखिए साइबेरियन बर्ड सब आपकी तरफ भाग जाते हैं। वो क्या है, साइबेरियन क्रेन्स है। ठीक है, उनको साइबेरियन बर्ड भी कहते हैं। क्यों क्यों वो यहाँ पे आती हैं, क्योंकि उनको ठंडी जगह चाहिए, उनको वातावरण कैसे चाहिए, ठंडा चाहिए, कोल्ड वेदर चाहिए। इस वजह से वो आर्टिक एरिया से उड़कर यहाँ पे चली आती हैं। और फिर जैसे ही देखिए फरवरी खत्म होती है, फिर ये अपनी जगह वापस चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आए। और देखिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेस पे, लेट्स ट्राई फोर, लेट्स ट्राई फाइव एंड लेट्स ट्राई सिक्स, और आपका ये क्वेश्चन आंसर लेट्स ट्राई सेवन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हम कंटेंट के थ्रू आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई दिक्कत होती है आपको कहीं पे भी, किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करिए, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे।